जैसे एक पिज्जा के पीस के नीचे से एक छोटा सा बेबी कॉकरोच भाग रहा था। Hi guys, this is Ramya. I am welcome back to my channel. Good question. You are a good question. देखने की जरूरत नहीं, वो हम हटाना भूल गए। हम इस तरह की कलर फूड करते हैं, हमने सोचा कि कुछ पर्टिकुलर फूड करते हैं, हमने फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें सोची, बट देन हमने सोचा क्या एक चीज है जो चिन्नू चाहती होगी कि मैं करूं। जा पूछ क्या। चिन्नू माइक बताओ, चिन्नू आपने क्या जवाब दिया था? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा कचरा हूं, तो आप कचरा खाना चाहोगे कि सुन रहे हो? मेरे को जानता नहीं है ये। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे, दैट इज वी आर गोना ईट ओनली वर्स्ट रेटेड फूड फॉर 24 आवर्स फ्रॉम स्विगी। Zomato कोई तो स्पॉन्सरशिप कर दो निकम्मो। ओके गाइस, सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के बहुत समय बहुत पहले ही खत्म हो गया था। 12 बज चुकी है पर इसकी सुबह ही बहुत लेट होती है, क्या करें। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओके गाइस, तो जो ब्रेकफास्ट है उसके लिए मंगाया हमने ये, इसकी रेटिंग थी कुछ इतनी और ये इससे ज्यादा कम हमें रेटिंग मिल नहीं रही थी। हम जगहों की नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी के बिजनेस को खराब नहीं बताना चाहते या खराब नहीं करना चाहते हैं, वो हमारा इंटेंशन नहीं है। सबसे पहले दिखा देते हैं कि खाना आया कैसे। खाना आया है प्लास्टिक थैली में, जो कि कुछ इस तरीके का है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा दूं वो ये है कि यहाँ पे दो गांठे बंधी हुए, एज इफ इसको शायद किसी ने ऑलरेडी फाड़ा है या फिर फट गया है तो उसने वापस से बांधने का ट्राई करा है। तो यहाँ पे दो थैलियों के नॉट्स हैं और ये यहाँ से फटा हुआ भी है कम्प्लीट, देख रहे हो। ये है अपेरेंटली बन आई गेस, और इस तरीके से फॉइल में उन्होंने लिटरली ऐसे बस फॉइल में रैप करके दे दिया। ये क्या है वो देखने लायक चीज है, बिकॉज यहाँ ऐसा ना हो जिन्हू वो सॉफ्ट वॉफ भर के रखी हो है जिन्हू प्याज होगा ऐसे। तुम सही कह रही थी, प्याज हैं कटे हुए और उसके साथ नींबू। नॉन वेज सब्जी आ गई क्या? नहीं, सही है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है इसके अंदर पता नहीं काला काला क्या डाला हुआ है। ठीक है, मैं मुझे अपने घर जाना है। Let's taste it. मतलब थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है, तो शायद थोड़ा नमक और ये सब डाल दूंगी तो शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट ये मेरा काम नहीं है। सारे काम मैं ही करूं। बट ठीक है, इसको मैं अराउंड 2 रेट करते हैं आउट ऑफ 5। सुबह का थोड़ा सा फीका फीका खाना खा के मैं थोड़ी सी ऊप गई थी, तो मैं सोचा थोड़े मसालेदार कुछ खा लिया जाए जिससे मुंह में चटकारा लग जाए थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने मंगाया है जगह से चिली गार्लिक नूडल्स, जो कि इतने स्टार्स के, तो भाई मैंने सोचा कि इससे शायद मेरा मुंह ठीक हो जाए तो और पेट भी थोड़ा भर जाए, बिकॉज पाव भाजी के नाम पे तो सिर्फ 2 पाव थी। इस तरीके से पैक डो रखिए, ढक्कन नहीं है इसका, इसके पास ये स्टिकर है, तो इस स्टिकर को हटाते हैं। ओके गाइस, दिखने में तो सही लग रहा है, इन्होंने पर थोड़ा सा फेक कलर डाल रखा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना ऑरेंज कलर का क्यों है ये। इसमें भर भर के कैप्सिकम भी है और 2 मिर्ची के पीस भी है जो मैं चिन्नू खिलाऊंगी, बट ठीक है, थोड़ा इंडियन स्टाइल में बनाया ऐसा लग रहा है, बट खा के देखा जाए। मिर्ची डाल रखा है क्या सीधा? बहुत मिर्ची है, चिली को इन्होंने लिटरल सेंस में ले लिया, चिली हो गया बहुत ज्यादा। वाह, मेरे कान में से धुआं निकल रहा है क्या? मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह? मेरा तो दिन ही खराब है। और बहुत मिर्ची है, मेरे से बहुत नहीं खाया जाएगा, बहुत ज्यादा मिर्ची है। ओके बाय। ओके गाइस, तो शाम हो चुकी है, तो मैंने मंगाया है मीठे के नाम पे ब्लूबेरी
पेस्ट्री एंड साथ ही साथ मैंने सोचा मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने मंगाया है बर्गर, क्योंकि बहुत ही घटिया रेटेड था ये, तो मैंने सोचा बर्गर पकड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा भी क्या है एंड ऑल्सो क्योंकि मुझे मीठे के साथ कुछ ऐसा खाना अच्छा लगता है तो इसलिए। तो यार ये बर्गर कुछ इस थैली में आया है, इसको खोला जाए। ओ, इतना तेल क्यों है इसके अंदर, देखना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें तेल बह रहा है बहन। ओ नो, यो, ये कौन सी टाइप की मेवा है भाई, जितनी गंदी लग रही। गाइस इसमें से लिटरली बदबू आ रही है, आई डोंट नो इन्होंने कोई एक्सपायर्ड मेयो डाली है या क्या। व्हाट, मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ इसके अंदर क्या क्या है, ऐसा ना हो कोई कीड़े भी मकोड़े भी पड़े हो अंदर। अरे चिपका पड़ा हुआ है ये तो। ओ शिट, तो ये कुछ इस तरीके से अंदर से, बट ठीक है खाना है रम्या खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3, 2, 1. मैं सारा का सारा निकाल के आ गया, मुझसे बर्गर नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी, नहीं तो मैं लिटरली बीमार हो जाऊंगी। उसमें एक तो सबसे बड़ी बात तो उस बर्गर में ना जो भी मेयो डली हुई थी या जो भी क्रीम डली हुई थी वो बहुत ज्यादा गंदी स्टेंच दे रही थी, बहुत ज्यादा फाउल स्मेल दे रही थी, जो मुझे नहीं लग रही थी कि मुझे खानी थी मुझे, क्योंकि फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होता है और बहुत ईजिली होता है, तो मुझे वो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना था। कोई बात नहीं, हम मीठा खा लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने मंगाया है ब्लूबेरी केक, ठीक है पैकेजिंग वगैरह सब अच्छी है, एक भी चीज अच्छी नहीं हो सकती मेरे साथ। अरे तो वर्स्ट रेटेड खा रही हो। गाइस इस तरीके से बिल्कुल टूटा फूटा, आई मीन टूटा क्या, गिरा पड़ा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज ये खाने में अच्छा हो। अब ये ब्लूबेरी है तो आई एम होपिंग इस वजह से इसके अंदर ये काला काला जो स्पेक्स लगा हुआ ब्लूबेरी होगा और कुछ गंदगी नहीं। ठीक ठाक है क्या, ऑल दो ये भी वर्स्ट रेटेड था बट आई थिंक इट्स गुड, जिस तरीके से रेटिंग दे रखी वो थोड़ा ज्यादा दे दिया, क्योंकि खाने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्रेड भी सॉफ्ट है, ब्रेड ऐसी सूखी या गली हुई नहीं है। एज लॉन्ग एज मैं जो ब्लूबेरी चबा रही हूँ वो एक्चुअली कोई कॉकरोच वगैरह नहीं है ना, क्योंकि मैं देख के तो चबा नहीं रही। टेस्ट में बहुत टेस्टी नहीं बोलूंगी इसलिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स हटा दिए, अदरवाइज 3.5 तो बनता है। ओके सर, डिनर के लिए पिज्जा जो कि कुछ इस तरह दिख रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, दिखने में सही लग रहा था, ऑल दो वर्स टेडे आई डोंट नो वाई बट ठीक है हमने ऑर्डर कर लिया। एंड देन मैंने मंगाया चिली पनीर जो कि वैसे चिन्नू का फेवरेट है बट फिर भी मैंने मंगा दिया। ओके तो पिज्जा कुछ इस तरीके के डब्बे में आया है, बट पिज्जा को खोलो तो आपको पता चलेगा कि भैया एक्चुअल में ये दिखता कैसा था और दिख कैसा रहा है, बट वो कोई बात नहीं कि डिजाइन में थोड़ा गड़बड़ है, पर यार एक बार इस पिज्जा को देखो, इसके अंदर लिटरली इन्होंने टमाटर के पीसेस नहीं टमाटर के छिलके डाल रखे हैं, क्योंकि टमाटर को जैसे भी इन्होंने डाला है ना ऐसा लग रहा है उसमें से ना किसी ने खींच के ना उसकी रूह निकाली हो, क्योंकि बिल्कुल सिकड़े मरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ छिलके इन्होंने ऐसे ना टमाटर से जान के सिर्फ छिलका निकाला काट के इसमें छिलका दिया। बट ठीक है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टमाटर और टमाटर के छिलका, टमाटर पसंद है टमाटर के छिलके। चली मैं चली देखो प्यार, चिन्नू चिन्नू कॉकरोच किधर गया, मुझे रोके ना कोई। अभी अभी आपने देखा कि मैं आपको लाइव फुटेज दिखा रही थी, मतलब थोड़ा क्लोजअप शॉट दिखा रही थी, देखा तो पीछे से मैं ये पीस एक उठा के खाने जा रही थी बिकॉज मैंने ओरिगैनो डाली ऊपर से क्योंकि बिल्कुल फीकी लग रही थी, देखा तो उतने में साइड से ना इसके नीचे से एक पिज्जा के पीस के नीचे से एक छोटा सा बेबी कॉकरोच भाग रहा था। व्हाई ओके गाइस मैं थोड़ा सा खा के देखती हूँ और फिर बताती हूँ कि स्वाद कैसा है, काफी काफी फीका फीका सा फ्लेवर है इसका बट ठीक है ना, इसे उसको खाते रहे वैसे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से भी कॉकरोच रेंग रहा तो कहीं कॉकरोच के अंडे वंडे रह गए इसके अंदर, तो मैं निकाल रही है हमारी पनीर चिली पनीर जो कुछ इस तरीके से लगती है, दिखने में काफी सही लग रही है, चीज है इसके अंदर शिमला मिर्च है, बड़ी बड़ी प्याज लगी हुई है और पनीर के बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं, ग्रेवी है बट इसमें थोड़ा थोड़ा काले स्पेक जरूर दिख रहे हैं बट आई थिंक वो है क्या बोलते हैं जो काली मिर्च होती है उसके टुकड़े होंगे थिंक होपफुली और कुछ नहीं होगा, पर बिकॉज हमने ये सेम जगह से मंगाया जहाँ से पिज्जा आया था और पिज्जा के अंदर कॉकरोच था, यार मेरे किसी भी चांस नहीं हो सकता कि मेरे बेड से कॉकरोच अंदर जाए खाने के अंदर, क्योंकि मैं बेड के ऊपर अभी आके बैठी हूँ इसके अंदर कोई भी कॉकरोच नहीं था मैं आके बैठी तो, एंड जो कॉकरोच था वो लिटरली डब्बे के अंदर से जा रहा था।
आई जीरो क्लू कहाँ से, वो भी जिंदा कॉकरोच, हम तो पकड़ के भी नहीं लेके आ सकते, इतना बड़ा कॉकरोच भी नहीं, इतना सब टोनू था, उसको अगर हम पकड़ने भी जाते ना तो हमारे हाथ में मर जाता, पता नहीं कहाँ से आया, बट कोई बात नहीं, ये खा लिया जाए और देखा जाए कैसा है। मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं, मतलब बुरा नहीं है बट ठीक ठाक है, पर बिकॉज मुझे भूख लग रही है मैं खा रही हूँ, क्या कर सकते, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। अरे इसमें रुको कितना, तुझे तो लग रहा है ना कुछ काला काला क्या है, कहाँ आगे आगे की तरफ, ये क्या है, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, ये शायद वो है काली मिर्च, अच्छा वो शीट किसी का बाल है, छोटा बाल है, ओए गाइस इसमें से हमें बाल मिला है, मैं क्या खाऊं, चिन्नू तेरे को उठा के खा लेती हूँ, लड़की का लग रहा है ना, हाँ इतना छोटा किसी लड़के के साथ, तो खाने वाले थे वो, तो चिन्नू को काली मिर्च दिखी और हमने ऐसे हवा हवा में इस प्याज को ऐसे हटाया तो देखा तो पनीर और प्याज के बीच में एक बाल का पीस था, ठीक है बाल देखो हमारे खाने में भी गिर जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो सिर्फ अगर हमारा बाल हो तो चलता है राइट, किसी और का बाल किसी खाने में तो आपसे खाया नहीं जाता है। एंड या दैट इज ऑल अबाउट दैट, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, आप लिटरली आप लोगों के चक्कर में इतना घटिया घटिया चीज़ें खाई हैं, एंड या अगर आप लोगों को कोई अगर नेक्स्ट वीडियो कोई हॉरर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, बहुत सारे स्कल्ट बना देना, हम लोग को समझ आएगा कि आपको हॉरर वीडियो चाहिए और हम लोग हॉरर वीडियो बना देंगे, सो या दैट्स ऑल अबाउट दैट। अब मैं आपसे अगले वीडियो मिलती हूँ गाइस, तब तक मैं बैठ के पिज्जा खाती हूँ छिलकों को हटा के, टमाटर के छिलकों को हटा के, बाय।